आज मैं आपके साथ चना दाल पालक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो दाल पालक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले देख लेते हैं। तो पालक लिए हैं 200 ग्राम और चना दाल 100 ग्राम लिए हैं। पालक को काट लिए हैं, दो तीन बार पानी से धोकर इस तरह से काट लिए हैं, देखिए मोटे मोटे टुकड़े में। और इस तरह का साग है ये, इसके पत्ते लंबे लंबे और जरा रेड होते हैं। और इस तरह का भी पालक आता है, चौड़े पत्ते वाले और इसका जरा सफ़ेद होता है। तो आपको जो अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। और चना दाल को 1 घंटे पहले भिगा कर लिए हैं, 1 प्याज को बारीक काट लिए हैं, 1 इंच अदरक टुकड़ा को भी बारीक काट कर ले लिए हैं और 5-6 कलियां लहसुन को भी बारीक काट लिए हैं और 2 टमाटर को भी बारीक काट लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कुकर गर्म हो चुके हैं, इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप अपनी मनपसंद तेल में बना सकते हैं। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुके हैं, इसमें डाल लिए हैं 2 हरी मिर्च बीच से काट कर और मिर्ची को थोड़ी देर पकने देते हैं। अब इसमें डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को चटकने देते हैं। 1 पिंच हींग डालते हैं। अब इसमें हींग ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन हींग डालने से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है इनमें। अब इनमें डाल लेते हैं ये अदरक लहसुन और डालकर इन्हें पकने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब डाल लेते हैं प्याज और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। तो अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनमें डाल लेते हैं टमाटर और टमाटर को भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। तो अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लिए हैं, अब इनमें दाल डाल लेते हैं। अब दाल को भी 1-1.5 मिनट चलाते हुए भून लेते हैं इन मसाले में। तो लीजिए, मैंने 1-1.5 मिनट के लिए दाल को भून लिए हैं। अब इनमें डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यदि लाल मिर्च पाउडर आप डाल रहे हैं तो 1/4 छोटी चम्मच ही डालें, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं तीखी होती है। और 1 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाल लिए हैं, उस वक्त कैमरा ऑन नहीं था तो आप नहीं देख पाए। और इनमें डाल लिए हैं 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं एक बार। तो अब ये तैयार है। अब इनमें डाल लेते हैं पालक जो हमने काट कर रखे हैं। तो पालक एक ही बार में नहीं जाएगा कुकर में, तो आधा डालकर एक बार मिला लेते हैं, फिर से बाकी का डाल लेंगे। पालक रखते ही गल जाते हैं, देखिए। तो अब बाकी का भी डाल लेते हैं। और इन्हें भी डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं एक बार। अब सागों को भी 1-1.5 मिनट के लिए सभी चीजें के साथ भून लेते हैं। तो अब पालक भी भून चुके हैं, देखिए। तो इनमें डाल लेते हैं अब पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसे मैं 1.5 कप डाल रही हूँ अभी। आप बहुत गाढ़ी दाल पसंद करते हैं तो 1 कप ही डालें। तो इनमें आप डाल लेते हैं 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। तो गरम मसाला भी अब डाल लिए हैं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और कुकर में 1 सीटी आने देते हैं। तो कुकर में 1 सीटी लग चुके हैं। अब हम गैस को सिम करके 2 से 3 मिनट दाल को हम इसी तरह से लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 3 मिनट दाल को पका लिए हैं लो फ्लेम पर, गैस ऑफ कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने तक इंतज़ार करते हैं। तो अब कुकर का वाष्प निकल चुके हैं। अब ढक्कन खोल लेते हैं और चेक करते हैं दाल को। तो देखिए, दाल पक चुकी है, इसे गलाना नहीं है हमें। तो चलिए अब सर्व करते हैं इन्हें। तो लीजिए, मैंने दाल को सर्व कर लिए हैं और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दाल है ये। आप इन्हें चावल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं या अपने मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो आप ये डिश बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।